ओके और भाई कैसे हैं आप, कंट्रोलिंग, फ्रेंडली? बाय द वे, जिनको नहीं पता, जो हमारे सुनो चंदा के स्टार हैं समी, ये उनके बड़े भाई हैं. तो मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली. मैंने कहा अरे यार ये दोनों भाई हैं, अच्छा तो किस किस्म के भाई, रोब वोब जमाते हैं आप कि वही छोटा ये काम करो, मेरा ये पानी ला के दो, मुझे ये कर दो. बेसिकली वो मेरे बड़े भाई हैं. अच्छा, लग रहा था मुझे अंदाजा. हाँ, वैसे मुझे लग रहा था वो मेरे बड़े भाई हैं. हाँ. तो रोब वो जमाते हैं, हम छोटे हैं. हम उनसे छोटे हैं. अच्छा, लेकिन शुरू में जब सुनो चंदा बहुत हिट जा रहा होगा, क्या बोलता था आपको समी आके चढ़ाता फिराता था कि मैं यार मैं तो स्टार बन गया हूँ भाई, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं? कुछ ऐसा चक्कर चल रहा होता था भाइयों में? नहीं नहीं, वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है. अच्छा, चुपके चुपके जब मेरा ऑन एयर हुआ तो ही वाज लाइक हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ माशाल्लाह. मैंने कहा समी देख यार काउंट रीच तो चेक कर. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, जब उसका सुनो चंदा ऑन एयर हुआ था ना, तो वहाँ पे ना जब वो सेट से आता था ना, यार ये चेक कर यार, 2 लाख फॉलोवर्स हो गए मेरे. 2 लाख यार, अच्छा ठीक है भाई. है वो यार मैं शूट से वापस आया हूँ, पानी पिला दो यार. सर ओके, ताबेदार, मैं चला गया. अच्छा, तो वो इस टाइप का हिसाब था उसका ना मेरा. अब मैं जब उस चुपके चुपके साथ कंपेयर होता हूँ ना, उसने ना ऐसी अपने तरफ से ना, बेसिकली मैं एक और चीज़ आप सब फैंस को बताता चलूँ, चुपके चुपके की और सुनो चंदा की फैन बेस अलग है. हाँ. इन दोनों ड्रामा का कंपैरिजन नहीं है. हम कंपैरिजन नहीं करते. बिल्कुल. तो समी साहब ने क्या किया कि चुपके चुपके पोलिंग होती है ना इंस्टाग्राम पे, चुपके चुपके और सुनो चंदा की पोलिंग कर दी. अब 53% चुपके चुपके था, बाकी का 45-48% सुनो चंदा था. समय साहब ने एंड ऑफ द रिजल्ट देखा ना, तो मैं साथ ही लेटा हुआ था. मैंने यूं नजर मारी, यूं करता है. मैं क्या हुआ, कौन जीता? कुछ नहीं, स्टोरी डिलीट कर रहा हूँ मैं. I cannot imagine आदि के इस वक्त आपका ना क्या होगा, आप कितना उस पे ना होंगे, हाथ ऊपर आपका है और आप कितना वो करोगे, बच्चा मेरा टाइम है. नहीं, माशाल्लाह उसने भी, मैं उसको एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि समी को मैं ना ड्रामा में अपना सीनियर मानता हूँ. सीरियसली? हाँ, वो मुझसे सीनियर है ड्रामाज में. कमर्शियल में मैं उससे सीनियर हूँ, आया तो मैं ही उस दुनिया में सबसे पहले, लेकिन ड्रामों में वो सीनियर है. बट वैसे क्या होता है अदर देन दिस, ऑन अ सीरियस लेवल भाइयों में लड़ाई होती है, या आप थोड़ा उसको गाइड करते हैं, या अभी वो एज है जब अभी सिर्फ वो चल ही रहा होता है, WWE चल रही होती है. ओके और वो नहीं होता मिलके गेम्स वेम्स खेलना और सब कुछ, या वो भी नहीं है? उसका बिल्कुल अलहदा ग्रुप है, आपका अपना अलहदा सर्कल है, एज ग्रुप की वजह से? एज ग्रुप की वजह से मेरा बेसिकली ये सीन है कि मैं काम की वजह से ना, मैं गैदरिंग में नहीं हूँ. मैं किसी भी टाइप की गैदरिंग में, मैंने आपको जैसे बताया मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस्लामाबाद से हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ 6-6 महीने बाद, साल साल बाद जाकर उनसे मिलता हूँ, वो भी हार्डली 1-2 हफ्ते के लिए बस. आई डू मिस इट, बट काम भी तो है ना, काम भी तो करना है यहाँ पे. और मेरा ये सीन है कि मैं अगर जैसे शूट पे ना रहा हूँ ना, 3 दिन में शूट पर रहा हूँ, मुझे कोफ होती है घर में, यार शूट क्यों नहीं आ रही, शूट क्यों नहीं आ रही, शूट क्यों नहीं आ रही, काम पे चलो काम पे चलो. तो मेरा वो हिसाब होता है. ओके. डीएम में लड़कियों के कितने मैसेज आ रहे हैं, सच सच बताना पड़े. अम्मा नहीं है यहाँ गई, अम्मा गई. अब बताओ कितने प्रपोजल्स आ चुकी हैं, कितनी तुम्हें क्या, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था जानने का. प्रपोजल्स तो नहीं आए, लेकिन खैर जो उसकी तादाद थी ना इंस्टाग्राम पे, जो इनसाइट्स में मेल एंड फीमेल्स की तादाद होती है, वो बहुत बढ़ गई. 70-30 होगी? नहीं, वो 70-30 नहीं, 63% नहीं, 69% वो है अपना वुमेन्स है. तो सही बोला ना, 70 हाँ, बोला उसके तो बाद 69. नहीं, 8.9 एक कम था. बिल्कुल सही थी मैं आदि, बिल्कुल सही थी मैं, करीब करीब. अच्छा बताओ, सबसे मजे का क्या मैसेज अभी तक पढ़ा है तुमने डीएम में जो किसी लड़की की तरफ से आया हो? ये मुझे ना बड़ा मजा आता है ऐसी मसाले वाली बातें. आई वांट कद्दू लाइक दिस. कौन है भाई ये इतनी क्यूट, कौन है जिनको कद्दू चाहिए? बस है नाम, मेरा नाम नहीं याद. नहीं, नाम हम पूछ भी नहीं रहे. लिशियस कर, वो आपको पता ना, फैन नहीं, नाम नहीं हम पूछ रहे, हम वैसे इधर तक रखेंगे. अच्छा, कोई फैन रिएक्शन हुआ है अब जब आपकी शक्ल पहचानी जाती है माशाल्लाह से,
मसला एक चीज का आया हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर नहीं जाया जाता, ये भी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और जहाँ जाते हैं मास्क में जाते हैं, जो पहचानने वाले तो आंखों से पहचान जाते हैं, अरे यार ये वही है, ये वही है। आवाज से भी तो पहचान रहे होंगे मुझे लगता है, आवाज से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि उसके अंदर मेरी आवाज चुपके चुपके में तो कॉमेडी जरा लाउड कॉमेडी की है ना, तो उसमें आवाज की एक वो बेस नहीं बन सकी, वो फटा हुआ गला ही आया उसके अंदर मेरा। कोई भी अभी तक ऐसा उससे पहले लॉकडाउन से पहले भी कभी कोई फैन रिएक्शन हुआ है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? फैन रिएक्शन में आपको एक क्या बताऊँ, आपको इतने सारे हैं फैन रिएक्शन में ना। एक दफ़ा हम नारायण का गान में थे, तो हम बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं हम लोग ना सारे, मतलब फैमिली जो है ना, हम बायर वगैरह हम कहते हैं यार बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाएंगे वरना मुल्क के अंदर गाड़ी पे जाओ, दैट्स वेरी नाइस, मज़ा आता है आपको। ठीक है, हम ना नारायण का गान में थे तो वहाँ पे वो लैंडस्लाइडिंग वैसे ना कुछ ट्रैफिक ब्लॉक हुआ हुआ था। अब जब ट्रैफिक ब्लॉक था तो मैं ऐसी ना गाड़ी से नीचे उतरा, मेरा उस टाइम पे माशाल्लाह से निभा, कैफे बहारा और अगर तुम साथ हो, ठीक है, तीन ड्रामे एट अ टाइम चल रहे थे और लम्हे की जो थी वो एयरिंग डेट सून थी, आने वाली थी एयरिंग होने वाला था वो, ये तीन ड्रामे मेरे थे। तो अच्छा, इनमें था मैं नेगेटिव, ठीक है। अब ना ये जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ ना, तो वहाँ ना दो बसेस खड़ी हुई, जैसे पूरी फैमिली बस बुक करा के नहीं निकल जाती, वो फैमिली ना एक पूरी ना पीछे वाली बस में फीमेल्स थी, अगली वाली बस में ना मेल्स थे। आप यकीन करें लड़के जो मेरी एज ग्रुप के, खिड़कियों से छलांगे मार के बाहर आए हैं और मैंने दो कदम पीछे लिए और मेरे पीछे खाई थी, मैंने कहा भाई मैं आगे आ जाता हूँ, मुझे पीछे मत करना वरना सिर्फ ड्रामों में ही देखते रह जाओगे। तो वो सीन था। उसके बाद हम नारायण का गान, जब वो दिन गुजरा उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब निकले हैं तो शाम के वक्त हम लोगों ने कहा यार चलो, वो ऊपर से घूम फिर के वापस आए तो मैंने कहा मम्मा को, मेरे कहा यार चले कॉफ़ी पीने चलते, मैं था, मेरी खाला थी, मेरे कजन्स थे, हम सब थे। आप यकीन करें मेरा होटल ये है और हार्डली 15 सेकंड की वॉक के ऊपर ना सामने कॉफ़ी शॉप है, वहाँ से मुझे होटल तक 1.5 घंटा लग गया था। वहाँ पे एक आंटी आई हैं, शायद वो ये इंटरव्यू देखेंगी बिल्कुल देखेंगी इंशाल्लाह। वो आंटी आई मेरे पास, आगे कहती हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मैंने कहा आंटी बस कहती है माशाल्लाह 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 आपने निभा में बहुत 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 गंदी एक्टिंग की है। मैं कहा हैं, अच्छा बहुत बहुत पे मैं यूं था जब उन्होंने कहा ना गंदी एक्टिंग, मैंने कहा जी नहीं, मतलब वो आपने अपनी मामा को बहुत तंग करके रखा हुआ है। अच्छा बहुत तंग, मैंने कहा आंटी मुक्के मार के मेरा बाजू सजा दिया आपने बहुत, मैंने कहा जी थैंक यू सो मच ये वो। अच्छा आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा कराची से आए हूँ। मैंने कहा अच्छी कहती हैं अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ, मैंने कहा जी आंटी श्योर, पिक्चर ली। उसके बाद कहती तुम इधर आओ अपने रिलेटिव्स को, वो एक वहाँ से आ रहे हैं तुम इधर आओ, मतलब पूरे इस तरह करके पूरा ना नारायण का गान में से अपने रिश्तेदार चुने उन्होंने। मैंने कहा क्या पहले हुए थे यहाँ पे, क्या चक्कर है भाई, देखें आपकी इतनी वैल्यू है, यू शुड बी। तो कैसा फील होता है इतनी यंग एज पे माशाल्लाह से इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, इतना जाना पहचाना जा रहा है, हाउ डज इट फील? मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एंजॉय करता हूं मैं, एंड आई लाइक योर ऑनेस्टी, मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे अच्छा लगता है। आपने कोई वो जुमला नहीं दिया नहीं जी मैं ठीक हूं बस ऐसी, आपने कहा नहीं भाई है मैं एंजॉय कर रहा हूं। हां एंजॉय करते हैं, सीधी सी बात है। हां इरिटेट हम होते हैं, इरिटेट मैं क्या सारे एक्टर्स होते हैं, वो इस वजह से होते हैं यार जब हम कहीं खाना खा रहे हो, कहीं हम बैठे हुए कहीं बात कर रहे हो, खाना खाते हुए जो पीछे से देखते हैं ये दिए और मुझे उसी सुनो चंदा से स्माइल भी याद आ रही होगी।